नमस्कार, मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि प्रयागराज से है। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की अपील पर सुनवाई होगी आज। इरफान और उनके भाई रिजवान की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। सुनवाई कानपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की सजा के खिलाफ अपील और जमानत पर होगी। आज बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की अपील पर सुनवाई होगी आज। इरफान और उनके भाई रिजवान की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई आज होगी हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी आज। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की सजा के खिलाफ अपील और जमानत पर आज होगी सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, इरफान सोलंकी पर आज सुनवाई होगी। राज्य सरकार और इरफान सोलंकी की तरफ से 1 जुलाई से लागू हुए नए कानून के तहत अमेंडमेंट एप्लीकेशन दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था। आपको बता दें कि इसी पर कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई टालते हुए दोनों को समय दिया था। अब मामले की सुनवाई आज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को जमानत पर 10 दिन के अंदर सुनवाई करने के निर्देश दिए थे। आदेश के परिप्रेक्ष्य में हाई कोर्ट में लिस्टिंग एप्लीकेशन डाली गई थी। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता आलोक सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक, क्या है पूरा मामला? देखिए, कानपुर से विधायक रहे हैं इरफान सोलंकी, उनके 7 साल की सजा हुई थी। उस सजा के खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, जिस पर लगातार सुनवाई चल रही थी। इसी बीच इरफान सोलंकी ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की कि उनके उनके मुकदमे की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन के भीतर उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई के आदेश दिए हैं। तो उस पर डे टू डे हियरिंग हो रही है, प्रतिदिन हियरिंग हो रही है। और आज भी इरफान सोलंकी की सजा के खिलाफ जो अपील है उस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी, और उसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि उनको राहत मिलती है, उनको जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन इरफान सोलंकी की जमानत पर आज सुनवाई है, सजा के खिलाफ इनकी अपील है, जिस पर आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। जी, और क्या कोर्ट से राहत मिलने का कोई अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए, ये तो मेरिट पर डिसाइड होगी क्या तर्क इरफान सोलंकी के जो अधिवक्ता हैं वो रखते हैं, मुकदमे को सजा के खिलाफ क्या बातें रखते हैं, कि जो जिला न्यायालय का फैसला है, कानपुर जिला न्यायालय का फैसला है, उसको किस तरीके से रखते हैं कि यह निर्णय गलत है। तो अगर अदालत को ये लगता है कि कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी के खिलाफ जो निचली अदालत का फैसला है वो गलत है, तभी इनको राहत मिल सकती है। फिलहाल ये अदालत के समक्ष ये मामला है और अदालत ही निर्णय करेगी कि इस मामले में क्या निर्णय सुनाती है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आलोक। आपको भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में फैल रहा है नक्सलियों का नेटवर्क। नक्सलियों पर नकेल कसने की तैयारी में मोहन सरकार जुटी हुई है और खुफिया रिपोर्ट के बाद सरकार ने केंद्र से मांगी मदद। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मध्य प्रदेश में नक्सलिया नेटवर्क फैल रहा है। मोहन सरकार ने केंद्र से मांगा 2 CRPF बटालियन और छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में नक्सलियों के बढ़ रहे नेटवर्क को देखते हुए डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने केंद्र से 2 CRPF बटालियन की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मध्य प्रदेश में फैल रहा है नक्सलियों का नेटवर्क और सरकार भी उस पर एक्शन मोड में नजर आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में नक्सल गतिविधियों को लेकर खुफिया विभाग से मिले सूचना के बाद केंद्र को CRPF की 2 बटालियन मांगी है। हालांकि इस नए इनपुट से मध्य प्रदेश की पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ नई रणनीति बनानी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मध्य प्रदेश में नक्सलियों का नेटवर्क फैल रहा है और सरकार भी उन पर नकेल कसने की तैयारी में है।
खुफिया विभाग से मिले इंटेल के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से सीआरपीएफ की 2 बटालियन मांगी है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई सीआरपीएफ की 2 बटालियन प्रदेश के नक्सल प्रभावित एरिया क्रमशः बालाघाट मंडला और डिंडौरी जिले में तैनात की जाएंगी। हमारे संवाददाता संतोष सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, एमपी सरकार नक्सल पर नकेल कसने जा रही है, आखिर क्या तैयारी है सरकार की? बिल्कुल माधवी, इस तरीके से समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के जो 3 जिले हैं, मंडला, डिंडौरी और बालाघाट, ये छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे हुए जिले हैं और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में माओवादियों को लेकर ऑपरेशन चल रहा है, नक्सलियों की सफाया के लिए सरकार जो कदम उठा रही है उससे विचलित होकर ये जो नक्सली हैं वो मध्य प्रदेश की ओर भाग रहे हैं, जिसमें ये छत्तीसगढ़ से लगी हुई जो सीमा है मंडला, डिंडौरी और बालाघाट की, और फिलहाल जो इनपुट मिल रहे हैं सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को, कि छत्तीसगढ़ के जो नक्सली हैं इन जिलों में शरण ले सकते हैं, उसी को ध्यान पर रखते हुए मोहन सरकार ने केंद्र सरकार से सीआरपीएफ की टुकड़ियां मांगी हैं, 2 मांगी हैं कि इसमें काम किया जा सके और जो नक्सली छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की ओर आ रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा सके। माधवी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद संतोष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नक्सल फैल रहा है, नक्सल नेटवर्क मध्य प्रदेश में, और सरकार भी इस पर एक्शन लेने की तैयारी में है। सरकार अपनी रणनीति के साथ इस समय तैयार है नक्सल पर एक्शन लेने के लिए और सीआरपीएफ की 2 टुकड़ियां भी मांगी है सरकार ने। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, कोलकाता ट्रेनी महिला डॉक्टर के दुष्कर्म हत्या मामला जो अभी तक चल रहा था, उस मामले में दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर का निर्ममता से रेप कर दिया गया था और उसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में की गई थी हत्या। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के दुष्कर्म हत्या मामले से संबंधित याचिका पर आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। बुधवार को इस मामले में समय की कमी की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की हत्या की गई थी और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में और अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के दुष्कर्म हत्या मामले से संबंधित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, कोलकाता मर्डर केस में आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। बुधवार को इस मामले पर समय की कमी की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी थी और ये सुनवाई आज होगी। महिला आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत थी, बता डॉक्टर और उनकी निर्ममता से दुष्कर्म करके उनके साथ उनकी हत्या कर दी गई थी, जिस मामले से पूरा देश दहल गया था। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, कोलकाता डॉक्टर हत्या मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में की गई थी हत्या और कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हत्या मामले से संबंधित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही होगी। बुधवार को इस मामले पर समय की कमी की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी, इसलिए आज ये सुनवाई होगी। पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, गायिका शारदा सिन्हा को अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ दी जा रही है। अंतिम विदाई शारदा सिन्हा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा और अंतिम संस्कार में जन सैलाब उमड़ता हुआ दिख रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, लोक गायिका शारदा सिन्हा, आज उनका अंतिम संस्कार है पटना में, जिसमें लोग खासा अच्छी खासी तादाद में
उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर एम्स से पटना लाया गया था और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा राजकीय सम्मान के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, शारदा सिन्हा जी के पटना स्थित आवास पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया था और आज उनका राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी जा रही है। उनके बेटे ने भी एक्स पर यह जानकारी शेयर की थी। याद है वो कि बाबा दिले टिकावा से हुरे हम ते जब से हुरे हम ते जब बलमुआ कैसे बलमुआ कैसे ते जब हो छोटी नानी बलमुआ कैसे ते जब हो छोटी नानी हमार जिया डोल रे छोटी नानी हमार जिया डोल रे छोटी नानी हमार जिया हमार जिया डोल रे छोटी हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दानिश, राजकीय सम्मान के साथ आज शारदा सिन्हा जी का अंतिम संस्कार होगा, क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? देखिए, परसों रात में जो है देर रात में शारदा सिन्हा का निधन हो गया था दिल्ली के एम्स में और उनको सांस लेने में दिक्कत चल रही थी। स्वास्थ्य इसको लेकर जितने भी उनके चाहने वाले थे वो सब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए और वो ठीक होके आए, मगर वो नहीं बच पाए। जो ईश्वर को मंजूर था वही हुआ। तो इस सिलसिले में जो है आज उनको गुलाबी घाट पे उनको उनकी अंतिम जो है वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी पटना के गुलाबी घाट में। उसके बाद जो है जहाँ उनके पति का भी गुलाबी ही घाट में हुआ था उनका अंतिम संस्कार, तो वो भी वही किया गया, उन्हीं के पास में किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके आवास से पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी और साथ में उन्होंने कहा कि राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से जो भी लोग हैं, जो भी उप मुख्यमंत्री से लेकर सभी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और वो पहुंच के जो उनको अंतिम जो राजकीय सम्मान होता है उनके साथ उनको वहां पर प्रक्रिया पूरा किया गया। उनके बाद उनके जो निजी आवास है राजेंद्र नगर में उनको वहां भेजा गया, वहां उनको लेके जाया गया जहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे, उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे और जितने भी हैं सभी लोग पहुंच के वहां पर उनके अंतिम दर्शन किए। दानिश, किस समय तक उनका अंतिम संस्कार होने की संभावना है और लोगों का खासा उनके साथ में जुड़ाव रहा है, तो लोगों का क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर? देखिए, जो अभी तक मिल रही जानकारी के अनुसार शाम में जो है 4-5 बजे के समय में उनके अंतिम संस्कार का टाइम रखा गया है। और जो क्योंकि शारदा सिन्हा हमेशा ज्यादातर फेमस लोकगीत छत के गीत को लेके वो हमेशा फेमस थी, तो और छत के समय में उनका जाना, वो भी पहला ही दिन जाना, लोगों में कहीं ना कहीं ये मतलब दुख की बात जो है सब बता रहा है कि ऐसे समय में इस समय में नहीं उनको होना चाहिए था। और उसके बाद जो उनका पैतृक गांव है सहरसा में, वहां पर जो है लगभग समझिए कि जितने भी 300-400 घर वो सभी जो है उसमें से कोई नहीं छठ मना रहे। इस बार जो है सभी ने बोला कि इस बार हम लोग शारदा सिन्हा की वजह से हम लोग छठ नहीं मना रहे हैं, तो सभी कहीं ना कहीं दुख है उनके होने से। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद दानिश। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा जम्मू कश्मीर में भारी हंगामा हो गया है, आर्टिकल 370 पर आए प्रस्ताव को लेकर विवाद छिड़ गया है। 370 मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के विधायकों में भिड़ंत हुई है। विधानसभा में उतारे गए मार्शल विधानसभा परिसर में हंगामा, मार्शल ने स्थिति को संभाला। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जम्मू कश्मीर
विधानसभा में भारी हंगामा हुआ है और आर्टिकल 370 पर आए प्रस्ताव को लेकर विवाद छिड़ गया है। 370 मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के विधायकों में भिड़ंत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधायकों में भिड़ंत हो गई है और हंगामा छिड़ गया है विधानसभा में, और विधानसभा में मार्शल उतारे गए हैं। विधानसभा परिसर में इतना हंगामा हो गया कि मार्शल को उतारना पड़ा स्थिति को संभालने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। बिहार की मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना के राजेंद्र नगर स्थित आवास पर लाया गया। सीएम नीतीश कुमार ने घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कल यानी गुरुवार उनका अंतिम संस्कार पटना के गुलाबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ होगा। आपको बता दें कि आज शारदा सिन्हा जी का अंतिम संस्कार उनके राजकीय सम्मान के साथ में होगा और इस समय उनका पार्थिव शरीर पटना में उनके आवास पर है। मंगलवार रात दिल्ली एम्स में शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया था और वे 72 साल की थीं। छठ के गाए उनके गीत बेहद मशहूर हुए और इस पर्व के पहले ही दिन उन्होंने अंतिम सांस ले ली। दिल्ली एम्स ने बताया कि सेप्टिसीमिया की वजह से शारदा सिन्हा जी की मौत हो गई। 26 अक्टूबर को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। 3 नवंबर को हालत में सुधार होने पर प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया, लेकिन 4 नवंबर की शाम उनका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा। इसके बाद से वे वेंटिलेटर पर थी। मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। महापर्व छठ से जुड़े उनके गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ एक युवा राज्य है और युवा अवस्था में ही इस राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन किया है। राज्योत्सव के मौके पर अपनी विरासत को सहेजने और छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लें, जनता से यह अपील छत्तीसगढ़ राज्योत्सव कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्य अतिथि राज्यपाल रमन डेका ने की। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। इस मौके पर अपने संबोधन में राज्यपाल डेका ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए गौरव का दिन है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना को 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं और यह हम सबके लिए ऐतिहासिक क्षण है। इन वर्षों में हमने एक मजबूत आधार बनाया है और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ने का संकल्प लिया है। उन्होंने इस अवसर पर राज्य निर्माण का स्वप्न देखने वाले और इसके लिए संघर्ष करने वाले पुरखों को भी नमन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य शासन द्वारा जन कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। जनजातियों, महिलाओं और युवाओं के उत्थान एवं कल्याण के लिए भी निरंतर पहल की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्योत्सव समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों ने संयुक्त मध्य प्रदेश के समय छत्तीसगढ़ में जन्म लिया और बड़े हुए वे लोग तब और आज में फर्क बता सकते हैं। उन्हें याद होगा कि किस तरह छत्तीसगढ़ में बार बार अकाल पड़ता था, किसानों को रोजी रोटी के लिए पलायन करना पड़ता था। सौभाग्य से जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो छत्तीसगढ़ की पीड़ा को समझा और अलग राज्य का निर्माण किया। 24 साल पूरे हो गए हैं, छत्तीसगढ़ विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। छठ पर्व का आज तीसरा दिन है और आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। छठ पर्व का आज तीसरा दिन है, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। नहाए खाए और खरना के बाद इस महापर्व में आज संध्या काल में डूबते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। इस दिन पहले भगवान सूर्य और छठी मैया की विधिवत पूजा की जाती है, फिर शाम के समय अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा रही है। कहते हैं कि इस दिन सूर्य देव की उपासना से संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। आप सबको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि आज महापर्व छठ का तीसरा दिन है। नहाए खाए से और खरना के बाद आज महापर्व का तीसरा दिन है।
चंद्रकाल में डूबते हुए सूरज को आज अर्घ दिया जाएगा और इस दिन पहले भगवान सूर्य और छठी मैया की विधिवत पूजा की जाती है, फिर शाम के समय अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। कहते हैं कि इस दिन सूर्य देव की उपासना से संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। हमारे साथ संवाददाता नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, आज छठ का तीसरा दिन है, तो क्या वहां पर यात्रियों, छठ व्रतियों में क्या बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और क्या और भी लोग वहां पर यात्री के तौर पर आए हैं छठ पर्व को देखने? देखिए माधवी, बिल्कुल, ये लोक आस्था के महापर्व का जो आज तीसरा दिन है और आज जो भी छठ व्रती हैं वो भगवान डूबते हुए भास्कर को जो है अर्घ देंगे और हम कहें तो सारी तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई है, पूरी कर ली गई है। और इस वक्त हम हैं बोकारो के तिरंगा पार्क मारुति नंदन सेवा ट्रस्ट छठ घाट पे, और यह घाट जो है काफी सुसज्जित किया गया है ताकि छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। इसी को लेकर यहाँ पे पूरा पानी वानी अगर हम कहें तो पूरा साफ सफाई किया गया है, पूरा साजो सज्जा किया गया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे माधवी, लेकिन हम आपको बता दें कि ये लोक आस्था का महापर्व जो चार दिनों तक चलता है, जो पहले दिन आपका अगर हम कहें तो नहाए खाए के साथ उसका शुभारंभ होता है और उसके बाद जो है जो भी छठ व्रती होती है वो खरना करती है। जो कल हम आपको बता दें कि कल खरना था, खरना कल हुआ है और आज जो है सभी अपने सभी संबंधी परिवार के साथ जो है भगवान जो डूबते हुए भास्कर हैं उनको अर्घ देंगे और अपने परिवार की सुख समृद्धि और अपने जो जीत संबंधी हैं उनके मंगल कामना के लिए छठ मैया से जो है आशीर्वाद मांगेंगे। तो इसी को लेकर जो है तैयारियां हैं और आप तैयारियों की अगर हम बात करें तो आपको हम दिखाते हैं कि ये जो छठ घाट है ये मारुति नंदन जो आपको तालाब दिख रहा है कितने स्वच्छ यहाँ पे सुंदर तरीके से जो है तैयार किया गया है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं तस्वीरें, अभी लोग जो हैं अपने छठ घाट को साफ सफाई भी कर रहे हैं। ये भी तस्वीरें आपको दिख रही होगी माध्यमी और हमारे दर्शकों को भी ये तस्वीरें दिख रही होगी। तो हम कुछ लोग हैं उनसे जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये छठ घाट जो है हम आपको बता दें यहाँ पे जो छठ पूजा होती है काफी यहाँ पे जो है मनमोहक दृश्य होता है। ये पानी आप देखिए, जो पानी हम आपको अभी दिखाएंगे कितना स्वच्छ और सुंदर पानी है। और उसके बाद यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक रस्सी जो है पानी जो है उसमें रस्सी दिया हुआ है ताकि उसके आगे लोग ना जाए, ताकि जो है आपको ये जो पानी आप देखिए, आपको पानी दिख रहा होगा, मैं हाथ लिए पानी लेके दिखा रहा हूँ आपको कितना स्वच्छ पानी है ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो असुविधा जो है सरपंच को ना हो। तो आप साफ तौर पर ये नजारा देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि छठ घाट का ये जो तालाब है कितना सुसज्जित किया गया है इसको और सारी जो है लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा को लेकर यहाँ पे जैसा हमें पता चला कि एनडीआरएफ की एक टीम भी रहेगी यहाँ पे ताकि किसी तरह की कोई जो है यहाँ पे घटना दुर्घटना ना हो। यह देखिए साफ तौर पे सुसज्जित किया गया है, कुछ लोग जो है अपना छठ घाट सजा रहे हैं। भाई साहब थोड़ा इधर आइएगा, एक कितना आप लोग को मतलब छठ का जो है ये रहता है कि कितना सुंदर जो छठ घाट सजा है और कितना तैयारी रहता है और किस तरीके का उत्साह रहता है यहाँ पे? हर साल इतना ही एकदम भावुक तरीके से मनाया जाता है छठ। ये बिरंटी नारायण देव के द्वारा और सुबह खूबसूरत भी पंडाल को तैयार जाता है और यहाँ छठ देखिए माधुरी, आप साफ तौर पे जितनी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो कि बोकारो के चक्कर वन स्थित तिरंगा पार्क की तस्वीरें हैं और यहाँ पे जो है छठ को खासा जो है तैयारी की गई है, चारों तरफ जो है साज सज्जा का व्यवस्था किया गया है और सारी जो यहाँ पे और बोकारो जिले में जो भी छठ घाट है वो भी पूरे तरीके से छठ घाट कर तैयार है ताकि किसी को भी जो भी छठ व्रती है उनको कोई भी असुविधा ना हो। जी माधवी जी, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि छठ की क्या खास तैयारियां हुई हैं और धन्यवाद नीरज, आपने वहां से लाइव जुड़ करके हमें सारी जानकारियां दी। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, कमला हैरिस ने ट्रंप के आगे स्वीकार की अपनी हार। पहला बयान सामने आया है, डोनाल्ड ट्रंप को शांति से सत्ता सौंपने का वादा किया है कमला हैरिस ने। कमला हैरिस का बड़ा बयान सामने आया है, इस वक्त पहला बयान है उनका और डोनाल्ड ट्रंप को शांति से सत्ता सौंपने का वादा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, कमला हैरिस ने ट्रंप के आगे स्वीकार की अपनी हार। अमेरिका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अभी तक तैयारी काफी जोरों शोरों से थी और कल ट्रंप ने
काफी बहुमत के साथ अपनी जीत हासिल कर ली है और आज कमला हैरिस ने ट्रंप के आगे अपनी हार स्वीकार कर ली है। पहला बयान आया है सामने, डोनाल्ड ट्रंप को शांति से सत्ता सौंपने का वादा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, ऐसा पहली बार हुआ है कि कमला हैरिस ने ट्रंप की जीत के बाद में कोई बयान दिया है। इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।